हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन, आज के टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करने वाले हैं नियो वाइज टेलीस्कोप। नासा का एक ऐसा टेलीस्कोप जिसे रिसेंटली ऑलमोस्ट इतने वन डिकेड का अपना जो एक मिशन था उसे कंप्लीट किया है, दैट्स वाई ये न्यूज में बना हुआ था। आज के सेशन में हम देखेंगे कि क्या है यह नियो वाइज टेलीस्कोप, क्या इसका मेजर एम था और किस पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली इसे लॉन्च किया गया था। तो रिसेंटली नासा जो नियर अर्थ ऑर्बिट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वेयर एक्सप्लोरर नियो वाइज, अर्लियर इसका नेम सिर्फ वाइज था, WISE, हैज कंक्लूडेड इट्स मिशन मार्किंग द एंड ऑफ अ जर्नी स्पैनिंग ओवर अ डिकेड। कि ऑलमोस्ट ये हालांकि ये 2019 में लॉन्च किया गया 2009 में लॉन्च किया गया था सॉरी, बट बाद में इसे रिवाइज किया गया, उसके बाद से इसका नाम जो है वो नियो वाइज पड़ गया, जो स्पेशली बहुत सारे कह सकते हैं कि जो स्पेस की एक्टिविटी है चाहे वो एस्ट्रॉइड से रिलेटेड हो, स्पेशली इन सदर्न हेमिस्फीयर में जो नहीं है स्टडी कर रहा था। तो हम अगर बात करते हैं कि क्या स्पेशलाइज मिशन था इस टेलीस्कोप का, तो बेसिकली दिस वाज लॉन्च इन 2009 बाय द नासा एज द वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर और वाइड। बाद में यह वर्ड आता है नियो, क्योंकि इसे बाद में फिर से रिलॉन्च, इसमें बहुत सारे चीज़ें चेंज में लाए गए थे। द स्पेस टेलीस्कोप वॉज ओरिजिनली डिजाइन टू सर्वे द स्काई इन इंफ्रारेड डिटेक्टिंग एस्ट्रॉइड्स स्टार्स एंड सम ऑफ द फेंटियस्ट गैलेक्सी इन द स्पेस। तो बेसिकली इसके लॉन्च इसलिए किया गया था कि जो ओपन स्काई में जो इंफ्रारेड हैं, जो एस्ट्रॉइड्स हैं, जो स्टार्स हैं या जो गैलेक्सीज है स्पेस में, उसे किस तरीके से डिटेक्ट किया गया और उसमें क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, उन सबके स्टडी के लिए बेसिकली इसे लॉन्च किया गया था। एंड इट हैज़ कम्प्लीटेड इट्स प्राइमरी मिशन इन फरवरी 2011 में लॉन्च किया गया, और इसका जो मेन प्राइमरी फंक्शन था यह 2011 में यह कम्प्लीट करता है। बाद में दिस ऑब्जर्वेशन वॉज रिज्यूम इन दिसंबर 2013 व्हेन द टेलीस्कोप वॉज टेकन आउट ऑफ हाइबरनेशन एंड द रीप्रपोज फॉर द नियो वाइज प्रोजेक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट टू स्टडी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट और नियो एज वेल एज मोर डिस्टेंट एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स। बाद में चूंकि जब 2011 में इसका जो मेन कह सकते हैं जो प्रोजेक्ट था, प्लानिंग मिशन था, जब कंप्लीट होता है तो लगभग 2 साल तक ये हाइबरनेशन में चला जाता है। 2013 दिसंबर में फिर से इसे रिवाइव किया जाता है और इसका अब इसे नाम दिया जाता है नियो, बिकॉज जो नियो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी स्टडी के लिए बेसिकली इसे रीडेवलप किया जाता है। साथ ही साथ जो डिस्टेंट एस्ट्रॉइड्स और कमेट्स है उसमें भी स्टडी के लिए बेसिकली इसे फिर से रिवाइव किया जाता है 2013 में, और उसके बाद से और कह सकते हैं कि मोर देन अ डिकेड जो है यह अब इसका मिशन कंप्लीट हुआ है। सो इट वॉज फॉर्मली ऑर्बिटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 310 माइल्स नियो वाइज, नाउ इट जस्ट 217 माइल्स अबव अर्थ सर्फेस, इट्स डिसेंड स्पर्ड बाई इंक्रीजिंग सोलर एक्टिविटी। तो बेसिकली जब यह रिवाइव किया गया, रिलॉन्च किया गया 2013 में, तब यह 210 माइल एबव द अर्थ सर्फेस एल्टीट्यूड पे यह था, और इसका जो मेन मकसद था स्पेशली सदर्न हेमिस्फीयर जोन में जो एक्टिविटी हो रही है ओपन स्काई में स्पेस में उन्हें स्टडी करना। और बाद में अभी अगर बात करें यह अभी 217 माइल्स एबव द अर्थ सर्फेस पे ऑपरेट कर रहा था। During its primary mission, NEO वाइज डिटेक्टेड मोर देन 158,000 माइनर प्लैनेट, 34,000 ऑफ विच हैड नेवर बीन डिस्कवर्ड प्रीवियसली, जिसमें से लगभग ऐसे 34,000 कह सकते हैं माइनर प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, बहुत सारे ऐसी चीज़ें इसने डिटेक्ट किया जो इससे पहले कभी भी डिटेक्ट नहीं किए गए थे, और उसका इस तरीके से स्टडी किया जा रहा था कि आखिर आने वाले फ्यूचर टाइम में अर्थ पे उसका क्या मेजर इम्पैक्ट हो सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स डाटा, क्या सिग्निफिकेंस है, नियो वाइज डाटा हैव बीन यूज्ड टू सेट लिमिट्स ऑन द नंबर्स ऑर्बिट्स साइज एंड प्रोबेबल कंपोजिशन ऑफ एस्ट्रॉइड थ्रू आउट आवर सोलर सिस्टम एंड इनेबल द डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट नोन अर्थ टोराजन एस्ट्रॉइड। और यही एक कह सकते हैं टेलीस्कोप है जिसने लिमिट्स सेट किया था, हैज बीन यूज्ड टू सेट द लिमिट्स ऑफ नंबर्स ऑर्बिट्स साइज एंड प्रोबेबल कंपोजिशन ऑफ एस्ट्रॉइड्स, कि आखिर एस्ट्रॉइड्स का क्या साइज है, क्या कंपोजिशन है, इन सब के तमाम बातों के बारे में इसने स्टडी की थी। और यह सबसे पहले इसने इनेबल किया था कि अर्थ का पहला जो नोन एस्ट्रॉइड है टोराजन, उसके बारे में इसने पता लगाया। तो इस मिशन का रिसेंटली जो है 1 डिकेड कम्प्लीट हुआ है, और इसका मेजर मकसद जिसके लिए नासा ने इसे लॉन्च किया था कि
स्पेशली हालांकि इसने बहुत सारे अलग स्टडी भी किए हैं, लेकिन मेन मकसद था सदर्न हेमिस्फीयर जोन में कि किस तरीके से एस्ट्रॉइड्स हो रहे हैं, किस तरीके से सोलर एक्टिविटी डेवलप हो रहे हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन क्या क्या एक्टिविटी हो रहे हैं ओपन स्पेस में, इन तमाम बातों का यह स्टडी कर रहा था और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है और उसके डाटा का क्या यूजफुलनेस है फॉर फ्यूचर, ये सब के बारे में यह नियो टेलीस्कोप बेसिकली स्टडी कर रहा था, जो कि पहले लॉन्च किया गया था 2009 में वाइज के नाम से, 2011 में यह प्राइमरी मिशन का कंप्लीट होता है, लेकिन 2013 में फिर से जब यह रिवाइव किया जाता है और नियो वाइज नियर अर्थ ऑर्बिट जब यह स्टडी करता है चीज़ों को, तब इसका नाम आता है नियो वाइज, जिसने रिसेंटली अपना वन डिकेड का मिशन जो है वह कंप्लीट कर लिया है और इसके द्वारा जो डाटा कलेक्ट किए गए हैं वो आने वाले साइंटिफिक कह सकते हैं एक्टिविटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले। दैट्स वाई यह न्यूज़ में था कि नियो वाइज सेटेलाइट टेलीस्कोप क्या है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।